प्रमेय 9 कथन। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, हमने वृत्त खंड के बारे में पढ़ा है। वृत्त खंड यानी कि वृत्त की परिधि पर जब हम कोई दो बिंदु लेते हैं तो वे दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो खंडों में बांट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए और बी ये दो बिंदु लिए हैं तो हमें यहाँ पर दो खंड मिलेंगे। कौन से? एक ए बी और दूसरा बी। अब वृत्त का एक गुणधर्म ये है कि वृत्त की किसी जीवा द्वारा उसके किसी एक खंड में जब हम कितने भी कोण बना लें उन सभी कोणों की माप आपस में समान होती है। तो चलिए इसे भी हम करके देखते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये जो ए बी आपके पास दो बिंदु हैं, चलिए पहले इससे हम एक जीवा बना लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे इनसे कोण। ये देखिए ये बन गई जीवा और हम यहाँ पर इसके द्वारा ये जो एक खंड हमें दिख रहा है यहाँ पर कोई भी दो बिंदु लेकर वहाँ कोण बनाकर यह चेक करेंगे कि क्या वे आपस में समान हैं। तो इसके लिए हमें चांदी की भी आवश्यकता होगी, तो इस चांदी को भी हम यहाँ पर बिंदु सी के साथ फंसा लेते हैं। चलिए इसे भी देखिए, ये हमने पहले भी किया है, ये हो गया हमारा बिंदु सी और इसी प्रकार बिंदु डी चांदी के साथ हम ले लेते हैं। कहीं भी आप वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले सकते हैं, बस बात यह है कि आपको उसे किसी एक ही खंड में लेना है और ऐसे दो ही नहीं, आप बहुत से बिंदु लेकर ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम कोण बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक कोण यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, और उसके बाद ये कोण एक बन जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, ये दोनों कोण हमें प्राप्त हो गए और अब हमें करना है इन कोणों का मापन। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, आधार रेखा को इस तरह से इस पे सेट करना पड़ेगा कि आधार रेखा धागे के समानांतर हो जाए। और ये देखिए, ये कितना आ रहा है हमें, ये मिल रहा है 50 अंश। और अब हम इसे भी माप लेते हैं, क्या ये भी 50 अंश है? ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से खींच लें और फिर देखें तो ये आधार रेखा को इसके समानांतर कर लीजिए और अब देख रहे हैं ये भी आ रहा है 50 अंश। यानी कि इस एक ही खंड में जब हमने दो बिंदुओं पर ए बी जीवा द्वारा कोण बनाया तो उनका माप हमें समान मिला। बिल्कुल ऐसे ही आप और भी इस खंड में जितने भी कोण बनाएंगे या फिर इस जीवा के इस तरफ आप जितने भी कोण बनाएंगे उनके माप आपको सदैव समान मिलेंगे। चलिए अब इस क्रियाकलाप का आप तार्किक सत्यापन देखें।